वेडिंग सीजन है यार, तो रेडी होना तो बनता है, इसलिए मैं भी थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ टिप टॉप। एंड आज की कलेक्शन भी वैसे ही टिप टॉप होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है वेडिंग स्पेशल। लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था वेडिंग एंड ब्राइडल स्पेशल ज्वेलरी, तो जाके भी देख लेना अगर नहीं देखा है तो। बहुत अच्छे से टेम्पल ज्वेलरी एंड कुंदन के सेट मैंने मंगाए थे और सारे अफोर्डेबल थे। एंड आज की वीडियो होने वाली जिन लोगों की शादी होने वाली है, जिन लोगों की क्लोज वन की शादी है, फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली में, कुछ अच्छे ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं दो कस्टमाइज साड़ी दिखाऊंगी एंड एक सेमी स्टिच लहंगा है एंड एक कुर्ता सेट है। टोटल चार ऑप्शन मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। चारों ही ऑप्शन जो है आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर वेडिंग्स, फॉर योर सिमिलर कुछ फंक्शन हो एंड आपको साड़ी वेयर करना नहीं आता है, तो यहाँ पे कस्टमाइज साड़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। या बहुत सारी रेडी टू वेयर साड़ी अवेलेबल है मार्केट में, पर ऑफकोर्स सभी बॉडी टाइप पे नहीं जाते हैं या हाइट के अकॉर्डिंग नहीं जाते हैं। यहाँ पे दो साड़ियाँ जो मैं सेलेक्ट मैंने किया है, ये न्यू सेलर से मैंने बाई किया है फ्रॉम अमेजोन। एंड ये जो सेलर थे इनके कोई रिव्यूज़ नहीं थे, एंड जैसे आप ऐड टू कार्ट करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो ना, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे व्हाट्सअप के थ्रू। एंड व्हाट्सअप पे आपसे सारी आपकी डिटेल मांगेंगे, लाइक आपकी मेजरमेंट क्या है, वेस्ट की मेजरमेंट क्या है, आपकी प्रॉपर आपका लेंथ समझ लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज करके आपको सेंड करेंगे। पर इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। प्राइसेस थोड़ी मोड़ी मुझे ज़्यादा लगी। तो बाय द वे, दो साड़ी मैंने जो बाय की है दोनों ही काफ़ी इन ट्रेंड है, लाइक सिल्क अभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाने वाली। एंड एक मैंने सिक्वेंस साड़ी मंगाई है जिसमें आई थिंक अभी तक मैंने कोई रेडी टू वेयर साड़ी नहीं देखी है प्रॉपर जो साड़ी वाली लुक में आओ, इसलिए मैंने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट किए फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, स्टार्टिंग विथ लहंगा, सेमी स्टिच लहंगा। तो अगर आपकी शादी होने वाली है ना, अफोर्डेबल लहंगा फॉर योर मेहंदी अगर आप सोच रहे हो तो यू कैन यूज दिस लहंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ है। सो ये लहंगा स्कर्ट है एंड ये लहंगे की ब्लाउज है एंड ये रहा दुपट्टा जिसे मैंने अभी कैरी किया हुआ है। बहुत प्रीमियम क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है एट दिस प्राइस, क्योंकि 1400 इसकी प्राइस थी एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1200 समथिंग का पड़ा है, तो आई थिंक टोटली वर्थ इट गाइज। एंड इसमें ऑल ओवर आपको ब्लाउज की जो फैब्रिक है ना, उसमें पूरी जरी वाली डिटेलिंग मिल जाएगी, यू कैन सी इन क्लोजअप। एंड इसका कलर ग्रीन कलर मेहंदी वेहंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसका दुपट्टा, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल गाइज। एंड फुल लेंथ दुपट्टा है जो 2.5 मीटर जो होता है ना, प्रॉपर आपको मिल जा रही है। एंड इसमें पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर में आपको सेम जरी का वर्क मिल जाएगा एंड ऑल ओवर पूरे दुपट्टा में ये सिक्वेंस का वर्क है। एंड इसकी क्वालिटी भी जॉर्जेट है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड नेक्स्ट मूविंग टू इसका घेर, तो घेर भी डिसेंट मिल जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज आपको घेर मिल जा रही है इतनी। एंड यू कैन सी इन ट्राउन एंड यहाँ पे पूरा प्लीट्स बैठाया हुआ है। इसकी भी फैब्रिक सेम जॉर्जेट की फैब्रिक है, अंदर इस तरह की साटन की लाइनिंग है, इसमें कोई कैन कैन नहीं आएगा, पर इसकी फैब्रिक इतनी अच्छी है ना कि मेरा दिल आ गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो आपसे ज़्यादा एरिया में आपको पूरा सिक्वेंस का वर्क मिल जाता है एंड यहाँ पे हेवी सिक्वेंस किया हुआ है एंड लास्ट में सेम बॉर्डर मिल जाता है, वो तो अपने प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी है। यू कैन कंसिडर दिस फॉर योर वेडिंग, और आपकी अगर फ्रेंड सर्किल में है तो ये ट्राई करो, पूरा पैसा वसूल है। इस दुपट्टे को आप अलग से भी यूज़ कर ले सकते हो, लहंगे को अलग से यूज़ कर सकते हो एंड इसकी ब्लाउज अगर स्टिच करवाओगे उससे भी अलग से आप अपने डिफरेंट साड़ी के साथ यूज़ कर सकते हो। मूविंग टू दिस साड़ी, तो पहली साड़ी जो है वो सिल्क में मैंने बाय की है एंड इसकी ब्लाउज की ये फैब्रिक मुझे रिसीव हुई है। इस साड़ी की एक खास बात है कि इसमें मूव करने पे कभी कभी ये रेडिस इसका कलर लगता है, कभी पिंकिस लगता है, मगर एक्चुअल में इसका पिंक कलर है। एंड ये ऊपर की बॉर्डर हुई एंड ये ब्लाउज की फैब्रिक है। इसमें आपको नीचे साइड में इस तरह से ब्रॉड बॉर्डर मिल जाता है जो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज जब करवाओगे ब्लाउज। एंड 80 सेंटीमीटर की फैब्रिक है तो ब्लाउज अच्छे से आ जाएगी। मूविंग टू साड़ी, तो ये रही साड़ी, इसमें नीचे में इस तरह का बॉर्डर आएगा जो सेम सिल्क की साड़ियों में होता है ना। सबसे अच्छी बात है इसकी सिल्क की फैब्रिक जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, प्रॉपर क्वालिटी वाइज आपको मिल रही है साड़ी। एंड इसकी जो शाइन है ना, या यू कैन सी इन क्लोजअप कितनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है। एंड ये कस्टमाइज साड़ी है तो इससे मेरी बॉडी टाइप एंड मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज की गई है। अंदर साइड में आपको एक डोरी मिलेगी, बाद यहाँ पे बेल्ट वाले जो ऑप्शन ही होते हैं, ये थिक पैंट में मिलता है ना उस तरह की थिकनेस, यहाँ पे फैब्रिक अटैच किया हुआ है। एंड यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं, बकल वाले जो पैंट में जैसे हम पहनते हैं ना, सेम वाला ऑप्शन है जो रेडी टू वेयर साड़ी में जनरली होता है। एंड यहाँ पे आपको ये बकल मिल जाता है जो आप क्लिप करोगे वो वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे प्रॉपर इतना ब्यूटिफुली प्लिट्स बैठाया हुआ है, यू कैन सी,
परफेक्शन आ रही है, पहनने के बाद भी परफेक्शन आएगी। प्लीट्स के बाद जो आंचल आती है, आंचल आपको इस तरह की मिलेगी। इसमें टैसल वाली पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड इसमें साड़ी के नीचे के साइड में, इसमें आपको पेटीकोट अटैच आएगा। जो मैंने बताया था कि इसमें आपको एक साड़ी मैंने सेलेक्ट की है, इसमें आपको इस तरह से पेटीकोट को अटैच किया गया है। सो इसमें किसी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। एंड साड़ी के नीचे में जो साड़ी फॉल अटैच होता है ना, वो इसमें आपको लगाया हुआ आपको मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। एंड लुक वाइज कैसा लग रहा है, यू कैन सी इन ट्राई ऑन। मूविंग टू नेक्स्ट साड़ी, तो यहाँ पे ये साड़ी मैंने सिक्वेंस में बाई की है। सो सिक्वेंस साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है। एंड इसकी जो ब्लाउज की फैब्रिक है, बाय द वे दोनों ऑप्शन में आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे इस सेलर के पास। तो ये रही ब्लाउज की फैब्रिक, इसमें पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप चाहो तो सेम ऐसे, ज़्यादा मुझे लगता है कि ये कलर ज़्यादा बेटर जाएगा, पर फिर भी कंट्रास्ट में चाहो तो डिफरेंट ब्लाउज भी या क्रॉप टॉप ट्राई कर सकते हो। एंड ऑलरेडी मैंने डिजाइनर ब्लाउजेस हॉल शेयर किया था, जिसका ब्लाउज मैंने अभी वेयर किया हुआ है। तो यू कैन सी, आई थिंक उसमें कुछ ऑप्शन शायद मिल जाए। एंड इसका कलर जो है वो पर्पलिस पिंक है, अनियन पिंक बोल सकते हैं। एंड मूविंग टू साड़ी, तो साड़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में रिसीव हो रही है। एंड इसका बेस फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट है, प्योर जॉर्जेट। ये जॉर्जेट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड ये ऑल ओवर पूरी साड़ी में आपको सेम सिक्वेंस का वर्क आएगा। जैसा मैंने बताया था कि उसमें विद पेटीकोट मैंने सेलेक्ट किया था, एंड इसमें विदाउट पेटीकोट मैंने सेलेक्ट किया। तो इसमें आपको कुछ भी अटैच नहीं आएगा, इसमें अंदर से कुछ ना कुछ वेयर करना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो दो डोरी आपको मिलती है, जो वेस्ट पे आप इसे टाई अप कर सकते हो। एंड उसके बाद मूव करके यहाँ पे मतलब पूरा सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेल्ट वाली वही सेम बकल मिल जाती है, जो आप क्लिप कर लेते हो। एंड यहाँ पे पूरी प्लीट्स जो है, यू कैन सी प्लीट्स काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पूरी स्टिच आपको मिल जा रही है। ये भी अगेन मेरी बॉडी टाइप एंड मेरी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग स्टिच हुई है। ये पूरी ऑल ओवर साड़ी में आपको इस तरह का बॉर्डर मिलेगा, जिसपे भी सिक्वेंस का वर्क है। एंड पूरी ये बॉर्डर आंचल तक जाएगी। सो दिस इज द नेक्स्ट साड़ी, यू कैन कंसिडर दिस टू साड़ी फॉर योर वेडिंग ट्रूजो। एंड चुपचाप शादी के बाद वेयर कर लेना, कोई नहीं जान पाएगा आपको साड़ी वेयर करनी नहीं आती है। सो मूविंग टू लास्ट कुर्ता सेट ऑप्शन, यहाँ पे ये कुर्ता सेट मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में शेयर किया था। ये कुर्ता सेट यार बहुत ब्यूटीफुल है, अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग ना मस्त है। 700 में आप, मैंने ये कुर्ता सेट बाय किया है। ये पूरा प्रॉपर गाउन काइंड ऑफ इसका लुक है। फ्रंट में आपको ये गोटा वर्क वाली डिटेलिंग मिल जाती है, स्लीव में भी 3/4 स्लीव एंड गोटा वर्क है। एंड बीच में आपको बेल्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें दो कलर ऑप्शन आएगा, रेड एंड पिंक, मैंने पिंक सेलेक्ट किया है। इसमें पूरे बंदेज वाले वर्क हैं, घेर बहुत अच्छा है। नीचे के साइड बैक में आपको ये गोटा वर्क आएगा, फ्रंट में प्रॉपर ये गोटा का काफ़ी लंबा मतलब 3/4 लेयरिंग बनी हुई है। एंड नीचे में लेस का बॉर्डर आ जाएगा, घेर काफ़ी डिसेंट है। एंड ये मुझे फ्लोर लेंथ आ रही है, पर अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको कुछ ना कुछ नीचे काइंड ऑफ जैसे सिगरेट पैंट पहन सकते हो, पिंक कलर का या वाइट कलर का कंट्रास्ट में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दुपट्टा इसके साथ मिलेगा। दुपट्टा में भी अगेन ये वाला बॉर्डर है, सिर्फ नीचे वाले लेंथ में। एंड पूरा ऑल ओवर लेंथ बहुत अच्छा है, जो 2.5 के आसपास होता है ना दुपट्टा का लेंथ, आपको प्रॉपर लेंथ मिल जा रहा है। इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, क्योंकि ये मुझे रिसीव हुए आई थिंक ऑलमोस्ट 15 डेज या 1 मंथ होने वाला होगा। तो यू कैन थिंक कि मैं इसके बाद अगर आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इट मीन्स कि दिस इज ऑसम। तो दिस इज द लास्ट ऑप्शन जो आप बाय कर सकते हो फॉर योर ट्रू जो, फॉर योर फंक्शन या फॉर डेली यूज। अगर आप ये वाले कुर्ता सेट, तो भाई कभी भी यूज हो जाएंगे। फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे शादी में रिचुअल होते हैं। मॉर्निंग से नाइट तक हमें थोड़े से टिप टॉप दिखना होता है, तो उस अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस। अगर आज के कलेक्शन आपको थोड़े से भी इंफॉर्मेटिव लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं, तो प्लीज़ जाते जाते लाइक करके जाना एंड शेयर कर देना। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल सेलेक्ट कर दो एंड घंटी हिट कर दो, जिससे भी मैं वीडियो शेयर करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड सारे की प्राइसेस एंड डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सी यू गाइस।